करेंगे अब हम लखीमपुर का, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त मौजूद हैं। अगर कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। न केवल यहां पर किसानों की इस तरह जान ली गई, ये तो तेजिंदा भी जिंदा बच गए। कोई नहीं सोचता था कि इनकी जान बच जाएगी। जिस समय समाजवादी पार्टी के लोग इनके पास पहुंचे, इनके सहयोगी साथी पहुंचे, कोई पहचान भी नहीं सकता था। अगर सही इलाज नहीं होता, इन्हें बाहर इलाज ना होता, तो शायद ये हमारे बीच जिंदा नहीं बैठे होते। और यहीं ने जाने ली, कितनी जाने ली बीजेपी की सरकार ने। कौन भूल जाएगा कि इतना बड़ा आंदोलन चला दिल्ली में, हमारे किसान वहां बैठे रहे धरने पर, न जाने क्या क्या सरकार ने किया आंदोलन को रोकने के लिए। बोर्डर लगा दिए गए, कीलें लगा दी गई, कोई आ नहीं सकता था, बैरिकेडिंग थी। जो कुछ सरकार कर सकती थी, जगह जगह रोक करके, अगर कोई डीजल भरवाने जाता था ट्रैक्टरों में तो डीजल नहीं मिलता था। अगर वो चिन्हित कर लेते थे तो मुकदमे लग जाते थे, घरों पर दबिश करने पुलिस जाती थी। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, इन बहादुर किसानों ने उस आंदोलन को पीछे नहीं हटे आंदोलन में, और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा, वो काले कानून वापस सरकार को लेने पड़ गए। और याद रखना, बीजेपी वाले ऐसे हैं, कोई भी कानून कभी भी ला सकते हैं। ये कानून इसलिए भी वापस लिए हैं कि जहां किसान और हमारे पूरे देश के किसान पीछे नहीं हटते, वही उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव आ गया तो कहीं पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी सीटें खाली न हो जाएं, कुर्सियां खाली न रह जाएं। वोट को देखते भी लिए हैं तीनों कानून वापस। इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को। अगर ये काका गए हैं तो बाबा भी उत्तर प्रदेश से जाएंगे। ये काका का मतलब है, ये बीजेपी वाले बहुत दिनों से हमें एबीसीडी सिखा रहे हैं। इनके भाषण सुनते हैं तो एबीसीडी सिखाते हैं हम लोगों को। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो उत्तर प्रदेश के बाबा भी जाएंगे। ये किसान, ये नौजवान वोट डाल डाल करके उन्हें घर पहुंचाएगा। इधर बाबा जी कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, गर्मी निकाल देंगे। अभी भी नहीं मान रहे हैं, दो चरणों में हार गए हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं। ये तीसरे चरण का वोट पर जान दो और फिर चौथे में आप लोग डाल देना। वैसे तो पहले चरण के बाद ही इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो चुके हैं। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता नेता पहले चरण के बाद ही ठंडे हो चुके हैं, दूसरे में सुन्न हो गए थे, और इस बार शून्य हो जाएंगे जब वोट पड़ेगा। और गर्मी निकालने वालों के इस बार जनता भाप निकाल देगी, भाप। बताओ, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं कि बहुत दिनों से फौज की भर्ती नहीं हुई है, पुलिस भर्ती भी, ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। न केवल फौज में, पुलिस में, बल्कि आप जानते होंगे 11,000 पद खाली हैं, 11,00,000 सरकार में पद खाली हैं, 11,00,000। समाजवादी सरकार बनेगी
तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बीएड टेट वाले लोग कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कितनी परीक्षाएं रद्द हो गई, कितनी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर आउट हो गए। इस सरकार ने नौकरी नहीं दी, परीक्षाएं रद्द की हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट के लोगों की भी मदद करने का काम समाज सरकार में होगा। हमारे शिक्षा मित्र वाले भी होंगे, बीपीएड वाले भी हैं, और 69,000 वाले जिनके साथ भेदभाव हुआ है, भेदभाव हुआ है हमारे 69,000 वालों के, और बीटीसी वालों की भी अगर कोई मदद करेगा तो समाजवादी सरकार में मदद होगी। इसलिए नौकरी और रोजगार मिले, हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो जाए। समाजवादी सरकार बनने पर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो जाए। समाजवादी सरकार बनने पर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा आप लोगों ने। समाजवादी पार्टी ने जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी मांग मान ली है और कहा है कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके उनको भी सम्मान देने का काम समाज सरकार में होगा। और वही बिजली को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और हमारे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली भी फ्री होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने यहां पर एग्रीकल्चर का भी बनाया था, एग्रीकल्चर का कॉलेज बना दिया था और भी सुविधाएं दी थी, सड़क से लेकर के बिजली, तमाम सबस्टेशन, अस्पताल, बहुत सारी सुविधाएं दी थी। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो मंडी को कैसे बेहतर करें और मंडियों के बेहतर करने के साथ साथ खरीद केंद्रों पे अपने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए भी फैसला सरकार की तरफ से होगा, जिससे हमारे किसानों को एमएसपी पे फसलों की खरीद हो जाए। ये भरोसा है कि नहीं है? समाजवादी लोग आते हैं तो काम करते हैं, जनता का दुख दर्द समझ करके उनकी मदद करते हैं। याद होगा कोरोना में बहुत सी चीजें बंद हो गई थी, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था। अगर उस समय कोई मदद कर रहा था तो वो समाजवादी एम्बुलेंसें थी, गरीबों की मदद कर रही थी। हम अपने गरीबों को, गांव में रहने वाले लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमें अगर अस्पताल अच्छे बनाने पड़ेंगे तो बनाएंगे, दवाइयों से लेकर के जांचें गरीबों की फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, और अगर एम्बुलेंस भी बढ़ानी पड़ी तो एम्बुलेंस बढ़ा करके गरीबों की मदद करने के लिए समाजवादी सरकार ने फैसला लेंगे। इधर पुलिस को लेकर के भी बहुत सुधार किया था सरकार में, 100 नंबर इसलिए बनाया था कि हमारे गरीबों को थाने में ना आना पड़े, कहीं घटना हो, कहीं विवाद हो जाए तो फोन करें, पुलिस वहीं पर मदद के लिए पहुंच जाए, इसलिए 100 नंबर बनाने का काम हुआ था। और जब से बाबा जी ने 100 को 112 किया है तब से हमारी पुलिस का भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। ये डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार, महंगाई और लोगों को अपमान करने का काम भी इनकी सरकार में दुगना हुआ है। ये लोग जो लगातार चीजों को बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी और रेलवे स्टेशन बेच दिए, रेलवे स्टेशन के आसपास जो जमीनें वो बेच दी, और ये इसलिए बेच रहे हैं, आप में से कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस तो जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों आरक्षण देंगे।
इसलिए सब चीज बेच करके प्राइवेट कर दे रहे हैं, जिससे हमारे तमाम लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था अधिकार और सम्मान, उसको भी छीनने की साजिश हो रही है। इसलिए विशेष आपसे हम कहकर जा रहे हैं, चाहे हमें धान खरीदना पड़ जाए, धान खरीद के लिए इंतजाम करना पड़े और मंडियों की व्यवस्था ठीक करनी पड़े, खरीद केंद्र बनाने पड़े, और वही हमारा ये लखीमपुर ऐसा क्षेत्र है जो कई जिलों के बराबर गन्ना पैदा करता है। हमारे गन्ने वाले किसान हैं, इन्हें समय समय पर आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि ये किसानों का चीनी मिल से भुगतान नहीं होता है, समय पर भुगतान नहीं कर पाती चीनी मिले। मुख्यमंत्री कुछ भी कहते रहे, लेकिन अभी भी हमारे किसानों का पैसा गन्ने का बकाया है, अभी भी चीनी मिले नहीं दे पाई है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गन्ने का भुगतान के लिए आपको 15 दिन का इंतजाम किया जाएगा, 15 दिन से ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये भी कह के जा रहा हूं कि आपको गन्ने के भुगतान के लिए धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा, हम बजट से अलग से फार्मर्स कॉर्पस फंड बना रहे हैं, और फार्मर्स कॉर्पस फंड इसलिए बना रहे बजट से कि हमारे किसानों का समय पर गन्ने का भुगतान हो जाए, उस तरह से किसानों को मदद करने का काम होगा। इसलिए आप सबसे हम अपील करने आए हैं और सहयोग मांगने आए हैं। ये लखीमपुर बहुत ही हमारा पुराना क्षेत्र है लखीमपुर, और यहाँ के लोगों ने सरकार बनवाई थी पिछली बार, बड़ी संख्या में लोग जिता दिए थे। इस बार तो हमने अपना समीकरण भी ठीक किया है, हर एक को जोड़ लिया है। समाजवादी पार्टी से हमने कई दल जो क्षेत्रीय हैं उनको जोड़ लिया, अगर हमें जोड़ना पड़ा ओमप्रकाश राजभर जी की पार्टी तो उन्हें भी जोड़ लिया, संजय चौहान है उनकी भी पार्टी को जोड़ लिया, जयंत चौधरी जी को जोड़ लिया, अब तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी हमारा सहयोग का समर्थन कर रही है, ये पैंथर पार्टी भी हमारा सहयोग कर रही है, और बड़ी संख्या में सिख भाई भी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, और हमारे कुशवाहा जी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आ गए। इस बार सिंह चौहान भी आपके साथ आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके साथ आ गए, और अपना दल भी आ गया आपके साथ कमेरा वाला। तो बताओ, इतना सबको जोड़ लिया, इसीलिए जोड़ लिया है क्योंकि समाजवादी पार्टी सबको स्थान भी देगी और सबको सम्मान भी देगी। किसान भाइयों, कभी ऐसा सोचा था कि हमें खेतों पे तार लगाने पड़ जाएंगे? लग गए तार, किसान बेचारा रात भर जगा रहता है, अपनी रखवाली करता है खेतों की, ये गौशालाएं बनाई, पैसा भी भेजा, लेकिन हजारों करोड़ पता नहीं कहां चला गया, कोई नहीं जानता। हमारी गाय मां भूखी मर रही है, और कई बार किसान हमारे लिए परेशान है, और सरकारी जगह में जानवरों को बंद करना पड़ा, गायों को बंद करना पड़ा। बताओ कैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ लगा दिया गौ सेवा के लिए, समाजवादी सरकार बनेगी तो इन जानवरों को कैसे, और जानवरों से कैसे खेती बचाई जाए, कैसे हमारे किसानों को लाभ पहुंच सके, वो फैसला लेंगे। और अपने बाबा मुख्यमंत्री बताओ, गौशाला तो नहीं जला पा रहे, अपने सबसे प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे, जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर है सांड,
बताओ बाबा मुख्यमंत्री पकड़ पा रहे हैं क्या? जो इतनी न केवल जान ले रहा है, टक्कर मार दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है सांड की वजह से, सींग मार दिए, मर गए लोग। अभी दो दिन पहले फिरोजाबाद में एक बाप और बेटे की जान चली गई, केवल सांड ने सींग से मार दिया। मैनपुरी में मारा, लखीमपुर में भी मारा होगा, सांड से टकराने से जाने गई जाने कितनी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि जहां बिजली 300 यूनिट माफ की है, घरेलू बिजली सिंचाई की माफ की है, जब से 300 यूनिट माफ कर दी तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई और उनका ट्रांसफार्मर फूट गया है। आप सबसे मैं विशेष निवेदन और अपील करने आया हूं, हमारे किसान नेता भी आए हैं, मैं आपसे विशेष अपील और निवेदन करने आया हूं कि आप लोग इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की मदद करना, साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करोगे कि नहीं करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ से हमारे किसानों के खेती का नुकसान ना हो, और बाढ़ को कैसे नियंत्रण कर सके जिससे नुकसान बड़ा ना हो, सरकार में अगर कुछ भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च कर करके बाढ़ से अपने किसानों और गरीबों को बचाने का काम करेंगे। वहीं हमारे किसान बहुत दुखी हैं, जाने कितने दिनों से गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जमीन को भूमिधर अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकारें आई चली गई लेकिन भूमिधर अधिकार उन्हें नहीं मिला है। हमारे बंगाली समाज के भी हैं, चौहान समाज के भी लोग हैं, बड़ी संख्या में सिख और किसान भाई भी हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो भूमिधर अधिकार कैसे मिले, इस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। वहीं शारदा एवं सोहेली नदी बाढ़ से कैसे मुक्त हो, कैसे बचाव करें, उस दिशा में काम करेंगे। हमारे सपेरे समाज के लोग और बंजारा समाज के लोग सबसे गरीब लोग हैं, सबसे पिछड़े लोग हैं, अभी भी उन्हें बुनियादी चीजें नहीं मिल पाई हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो बंजारा समाज को और सपेरे समाज को मुख्य धारा में कैसे लेकर के आए, उस दिशा में काम करेंगे। वन विभाग को लेकर के किसानों की समय समय पर बहुत कानूनी लड़ाई होती है, अगर उसको सुलझाने का काम समाजवादी सरकार बनेगी तो सुलझाने का काम भी हम लोग करेंगे। वहीं बहुत और सुविधाएं हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने किसानों को, नौजवानों को और अपनी माताओं बहनों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से कैसे लाभ पहुंचे, उस दिशा में काम करेंगे। हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, जो गरीब परिवार है 500 रुपए समाजवादी पेंशन देते थे, लेकिन इधर महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर महीने के 1500 रुपया और साल के 18000 रुपए भी देने पड़ेंगे तो गरीब माता बहनों के सम्मान के लिए समाजवादी पेंशन देकर के उनका सम्मान करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सी बातें हैं हम अपने संकल्प पत्र में लिख करके रखे हुए हैं। इसलिए आप सबसे हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने किसानों के साथ जिन्होंने अन्याय किया, किसानों की जिन्होंने जान ली, इन्हें भगवान भी ना ही माफ करेगा, और भगवान नहीं माफ करेंगे, हम और आप मित्र भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। और ये जो बुलडोजर लिए घूम रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, जो बुलडोजर की बार बार धमकी दिखाते हैं कि 10 तारीख तक मेंटेनेंस पर है,
उनसे पूछिए उनका बुलडोजर अत्याचार करने वाले के घर पर कब चढ़ेगा जाकर के, बताओ जो बुलडोजर लिए घूम रहे हैं। लखीमपुर में जो किसानों की जान लेने वाले लोग उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा बताओ, ये बुलडोजर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। इसलिए हम आप सबसे धन्यवाद देते हुए और आप सबको बधाई देते हुए कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, पूरा मैदान में हमें सरीसर दिखाई दे रहे हैं, सरीसर दिखाई दे रहे हैं और हर रंग का झंडा में दिखाई दे रहा है, नीला झंडा है, लाल हरा है, कम नीला है, महानदल का भी है, ओम प्रकाश राजवर जी का भी है। हम समाजवादी लोग सब रंगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, सब रंग साथ हैं, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, यही हमारी मिली जुली तहजीब है। ये एक रंगी लोग कभी हमारे देश को आगे नहीं ले जा सके, इसलिए इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझना। आपका इसलिए भी चुनाव है कि 5 साल आपने इंतजार किया, हमारे नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया कि नौकरी मिल जाएगी, हमारे किसानों ने इंतजार किया शायद न्याय मिल जाएगा, न नौकरी मिली न न्याय मिला। इसलिए आने वाले 5 साल अच्छे हों और 5 साल में ऐसी सरकार बने जो किसानों से लेकर के नौजवानों को और हर धर्म के लोगों का सम्मान करे। इसलिए साइकिल के चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं उत्कर्ष वर्मा जी के सहयोग में और समर्थन के लिए आपसे अपील करता हूँ, दाऊद अहमद जी को जिताने के लिए अपील करता हूँ, राम शरण जी को जिताने के लिए अपील करता हूँ, विनय तिवारी जी के जिताने के लिए अपील करता हूँ, सुनील कुमार लाला इनकी भी मदद करना, आरएस कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे वरुण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं इनकी मदद करना, और प्रतिंदर सिंह जी पलिया से चुनाव लड़ रहे हैं इनको भी अच्छे वोट दे करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस जोश उत्साह के लिए मैं कह सकता हूँ कि जब वोट पड़ेगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सम्मानित साधु शांत हो जाओ, शांत शांत। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव।